हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस ऑन न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ आरएनए। हम यहाँ पे करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। देखो आरएनए जल्दी वेरियस टाइप का होता है। इसमें सबसे कॉमन होता है टीआरएनए और आरआरएनए और mRNA और इसके साथ में हमें hnRNA देते हैं, हेट्रोन्यूक्लियोटाइड आरएनए, क्योंकि दोनों एक साथ बनते हैं। इसी तरह से snRNA सिंगल न्यूक्लियोटाइड आरएनए, ऐसे mtRNA माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं आरएनए, लेकिन ये जनरली तीन ही टाइप के मेन होते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं tRNA को। नंबर फर्स्ट है tRNA। देखो टीआरएनए होता है, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। में ये समथिंग इज ट्रांसफर, ये कुछ ना कुछ ट्रांसफर करता है। तो ये किसको ट्रांसफर करता है? ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को। ये अमाइनो एसिड कैरियर साइट यानी जो पेप्टाइड साइट की यानी कोडोन साइट के साथ जुड़ने के लिए ये अमाइनो एसिड को लेके जाता है। तो ये कैरियर होता है अमाइनो एसिड्स का। तो क्या लिखेंगे? इट कैरी या इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, ये कैरी करता है, और ये जो होता है ये आरएनए डिजोल्व हो जाता है वन मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, डिजॉल्व इन वन मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है NaCl2। तो उसके अंदर क्या होता है, ये NaCl के अंदर जस्ट वन सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है ये आरएनए, राइट। तो इक्वेशन नीट के अंदर भी आ चुका है इक्वेशन यहां से। और टीआरएनए होता है, टीआरएनए ज्यादातर ये लीनियर आरएनए होता है, वैसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आरएनए हो गई। पहले इसका स्ट्रक्चर आता था क्लोर लीफ स्ट्रक्चर, तो बाद में रिप्लेस कर दिया गया। मैं इसके दोनों स्ट्रक्चर आपको बनाऊंगा यहाँ पे, जो पहले आता था स्ट्रक्चर वो भी दिखाऊंगा और जो नया स्ट्रक्चर है वो भी इसके बारे में दिखाऊंगा। दोनों स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो पहले देखते हैं क्लोर लीफ का, जो पहले आता था क्लोर लीफ स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से होता था। इस तरह लाइक दिस, इस तरह से ये 5' साइड है, 3' साइड है, और ये तो साइड कहलाते हैं। यहां पे बेस पेयर जुड़ा होता था, एंटी कोडोन साइड बोलते हैं, यहां पे सी इस तरह से है। तो इस साइड को बोलते हैं, ये साइड कहलाएगी एंटीकोडोन साइड बोलते हैं। एंटीकोडोन का मतलब होता है बिकॉज इट्स अ कोड विद द, इट्स अ बाइंड विद द कोडोन। जो कोडोन होते हैं एमआरएनए के, एमआरएनए के जो बेस पेयर होंगे उन्हें बोलते हैं कोडोन, राइट। जो ट्रिपलेट फॉर्म होंगी उनके साथ बाइंड अप होंगे, तो इन्हें एंटीकोडोन साइट या इसे नॉनसेंस साइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉनसेंस साइट भी बोलते हैं। और ये साइड होती है, इस साइड में आपको जनरली यहाँ पे डी इस तरह से दिखाई देगा, तो इसी कारण से डी साइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी साइड। अब डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखो डी तो स्टैंड करता है यहाँ पे, डी होता है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। डाई हाइड्रोक्सीन जो फॉर्म होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इसी कारण से कहते हैं डी साइट। ये लूप बनता है बेसिकली यहाँ पे, और इसके ऊपर से अमाइनो एसिड होती है वो एग्जिट होती है इस साइड से, और जो ये साइड होती है इसे हम टी साइट बोलते हैं, या फिर कई बार इसको टी साइट भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, आपको इसके अंदर थायमिन दिखाई देगा, इसमें आपको सूडो यूरेसिल फॉर्म दिखाई देगी, इस तरह फॉर्म आपको दिखाई देगी,
इस साइड पे क्या मिलता है, वो थायमिन मिलेगा जो जनरली आरएनए में एक्सेप्ट होता है, और ये जो फॉर्म होती है इसका मतलब होता है स्यूडो यूरेसिल। क्या मतलब होता है? स्यूडो यूरेसिल। ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। और ये जो साइट होती है ये होती है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये साइट ये कौन सी होती है? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, राइट। यहां पे अमाइनो एसिड जो होता है इसके ऊपर यहां पे जुड़ जाता है इस तरह से, लाइक अमाइनो एसिड इस तरह जुड़ जाएगा साइट पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ टीआरएनए स्ट्रक्चर है, क्लोवर लीफ टीआरएनए स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, राइट, जो कि पहले एनसीईआरटी में था। अब तो नया स्ट्रक्चर जो चेंज करके आया है वो ही कुछ इस तरह से था। यहाँ पे देखिए ये नया स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर है, इससे सिंपल रहेगा, उसके अंदर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इस तरह साइड रहेगी लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या रहेगी, हम बेस पे जुड़ेंगे लाइक सी 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 इस तरह से। तो ये साइड कौन सी रहेगी? ये साइड बोलेंगे एंटीकोडन साइट, एंटीकोडन या नॉनसेंस साइट बोलेंगे इसको, राइट। ये एंड रहेगा 5', ये एंड रहेगा 3'। यही साइड होती है जहां पे क्या बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, राइट। यहां पे अमाइनो एसिड क्या होता है, इसमें जुड़ता है, राइट। यहां पे अमाइनो एसिड जुड़ेगा इस साइड पे लाइक दिस अमाइनो एसिड। तो ये भी किसका स्ट्रक्चर है? ये भी टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, जो जो बुक में मेंशन करके दिया हुआ है, इसे आगे चेंज करके आया हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या मतलब होता है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसको। और ये क्या करता है? ये प्रोटीन के साथ असेंबली करवाता है राइबोसोम की, यानी राइबोसोम को असेंबल करने में हेल्पफुल होता है। क्या करेगा? दोनों राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, दोनों को आपस में जोड़ता है। असेंबली ऑफ बोथ साइट ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम की दोनों साइट को जोड़ेगा और ये कैटलाइज करने में हेल्पफुल होता है प्रोटीन की, प्रोटीन को कैटलाइज करेगा, यानी प्रोटीन तो फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में कैटलाइज करेगा, कैटलाइज ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोसेस, राइट। तो कैटलाइज करता है इसके अंदर, कैटलाइज का मतलब होता है कि यहां से क्या करेगा, यहां से इसके अंदर से ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को पूरा करवाता है बेसिकली, राइट, ये आप मान सकते हो। तो ये था आरएनए के बारे में। अब जो थर्ड टाइप का जो आता है, तो थर्ड टाइप का जो आता है वो होता है यहां पे MRNA के लिए कोड होगा। इसके ऊपर कोडोन साइट होती है, कोडोन, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, इससे नेक्स्ट प्रोसेस आएगी ट्रांसलेशन, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कोडोन साइट प्रेजेंट, राइट। तो ये होता है एमआरएनए के बारे में। तो दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए।